तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, नए आयुष्मान कार्ड हरियाणा 1,80,000 से कम इनकम वेरीफाई हुई है फैमिली आईडी के अंदर, फिर भी नहीं आया लिस्ट में नाम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों आपको पता होगा कि हरियाणा में नई आयुष्मान कार्ड लिस्ट जारी हो चुकी है और दोस्तों ये जो लिस्ट है फैमिली आईडी के माध्यम से बनाई गई है। यानी दोस्तों फैमिली आईडी के अंदर जिस परिवार की इनकम 1,80,000 या उससे कम वेरीफाई हुई है उस परिवार का, उस फैमिली का नाम इस लिस्ट के अंदर है। दोस्तों अगर आप इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर देख सकते हैं। केवल सीएससी वेली ही इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकता है और कार्ड भी वही बना सकता है, यानी खुद सीएससी वीएलई ही कार्ड बना सकता है। दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं और लिस्ट में नाम भी वहीं पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे परिवार अभी बच गए हैं, यानी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 या उससे कम फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई हुई है फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब वह परिवार जो जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है वह कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो नाम है इस लिस्ट में नहीं है और हमारी जो इनकम है वो 1,80,000 या उससे कम वेरीफाई हुई है, यानी 75,000 वेरीफाई हुई है, 1,00,000 हुई है, 1,40,000 हुई है, इस प्रकार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। उनका क्वेश्चन है क्या सर हम अपना जो नाम है इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं या जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में आपका नाम आप खुद नहीं जोड़ सकते और न ही किसी सीएससी सेंटर पर जाकर जुड़वा सकते हैं। दोस्तों आपका नाम केवल हरियाणा सरकार इसके अंदर जोड़ सकती है दोस्तों, जिस प्रकार अब नए नाम जोड़े हैं। दोस्तों अब आपका यह डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आप अपना नाम इसके अंदर जुड़वा नहीं सकते, केवल सरकार ही जोड़ सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करें क्या और नई लिस्ट आ सकती है। दोस्तों आपका यह भी सवाल है कि एक लिस्ट तो सर जारी हो चुकी है लेकिन क्या और लिस्ट भी जारी हो सकती है, यानी और नई लिस्ट भी क्या आ सकती है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है हरियाणा सरकार और लिस्ट जारी कर दे, यानी इस लिस्ट के अंदर और नाम या और फैमिली ऐड कर दे जिनकी इनकम 1,80,000 से कम या 1,80,000 वेरीफाई हुई है। दोस्तों ऐसा हो सकता है लेकिन अभी सरकार की तरफ से या कोई आधिकारिक ऐसी कोई अपडेट या न्यूज़ नहीं आई है कि इस लिस्ट में और नाम जोड़े जाएंगे। दोस्तों अभी इससे संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आई है, ऐसी कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार अभी बचे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने कहा था उन सभी परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा जिसके इनकम 1,80,000 या उससे कम वेरीफाई हुई है फैमिली आईडी के अंदर, लोकल कमेटी द्वारा वेरीफाई की गई है, उन सभी परिवारों का इस लिस्ट में नाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब वेरीफाइड भी ऐसे बहुत परिवार हो चुके हैं जिसकी इनकम इतनी वेरीफाई हुई है और भी धीरे धीरे करके वेरीफाई हो रही हैं। तो दोस्तों हो सकता है एक नई लिस्ट जारी कर दी जाए, यानी इस लिस्ट में और नाम ऐड कर दिए जाएं जिन परिवारों का अभी नाम नहीं आया है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है लेकिन अभी इससे संबंधित कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आती है वीडियोस के माध्यम से आपको सूचना मिलती रहेगी, सूचना मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आप इससे संबंधित चिंता न करें, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है और आपकी इनकम 1,80,000 से कम वेरीफाई हुई है, आप चिंता न करें। हो सकता है हरियाणा सरकार और इसके अंदर नाम ऐड करें या नई लिस्ट और भी जारी करें, अपडेट आते ही मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।